शुरू कर दोगे, डायरेक्ट कर्ल्स शुरू कर दोगे तो भी आपके कर्ल्स फाइन हो गए। बट चीज ध्यान रखनी है, विदाउट प्रिपरेशन जब वर्क कर रहे हैं तो आपके हेयर फ्लैट होने चाहिए, नेचुरली फ्लैट होने चाहिए। दूसरी चीज, फ्लैट होने के बाद जब आप एक सेक्शन लेते हैं और जब कर्ल्स करते हैं तो कर्ल्स से पहले आपको स्प्रे एप्लीकेशन करनी है, सेक्शन को नीट करना है, इसके बाद आपको कर्ल्स करना है, ठीक है। अगर आप विदाउट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज को ध्यान में रख के काम करना है। इसके बाद अभी मैं सेकंड लुक क्रिएट करने जा रही हूँ, लो पोनीटेल। सो लो पोनीटेल के लिए यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन किया है। ऑलवेज आपको याद रखना है कि जब आप मैसी हेयर स्टाइल के लिए क्रिम्पिंग करें, आपका क्रिम्पिंग ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, नॉर्मल प्रिंट आनी चाहिए और नॉर्मल क्रिम्पिंग होना चाहिए। क्योंकि जब हम हैवी क्रिम्पिंग कर देंगे और हैवी क्रिम्पिंग के ऊपर जब हम कर्ल्स करते हैं तो कर्ल्स हमारे लूज हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जो शेप परफेक्ट आना चाहिए, जो प्रॉपर शेप आना चाहिए, वो प्रॉपर शेप नहीं आता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या करेंगे, ब्लू रे के बाद लाइट क्रिम्प करेंगे। क्रिम्प करना है बट लाइट क्रिम्प करना है। चले, सो बैक साइड से यहाँ पे मेरी ऑल हेयर में प्रिपरेशन डन है और बैक साइड मैंने चले बैक साइड यहाँ पे मैंने कर्ल्स किया है। आप कर्ल्स देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आउटसाइड कर्ल्स किया है। जो फर्स्ट स्टाइल थी उसमें मैंने इनसाइड टोंग किया था। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा वॉल्यूम दिखाना था और ये सेकंड लुक पे मुझे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिखाना है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर की साइड से टोंग किया है। और ऊपर की साइड टोंग इसीलिए किया क्योंकि मुझे स्कैल्प से वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे स्कैल्प से वॉल्यूम नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने रूट पे अपवर्ड्स डायरेक्शन रखी है। फर्स्ट लुक में मुझे रूट से वॉल्यूम चाहिए था, इसलिए मैंने इन डायरेक्शन रखी थी, इनवर्ड्स रखा था, ठीक है। सो ये चीज़ आपकी आई होप क्लियर हो गई होगी कि आपको रूट से वॉल्यूम चाहिए तो आपको इनसाइड करना है, आपको रूट से फ्लैट चाहिए तो आपको अपवर्ड्स डायरेक्शन में कर्ल्स करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने इसीलिए अपवर्ड्स नहीं किया, सॉरी इनवर्ड्स नहीं किया है, अपवर्ड्स किया इसीलिए किया है क्योंकि मुझे कर्ल्स जो करने थे ना, मुझे कर्ल्स में वॉल्यूम चाहिए था, मुझे रूट में वॉल्यूम नहीं चाहिए था, ठीक है। सो रूट में वॉल्यूम एंड कर्ल्स में वॉल्यूम दोनों चीज़ टोटली डिफरेंट है। आपको रूट्स में चाहिए तो आपको इनवर्ड्स कर्ल्स करने हैं, जब आपको अपवर्ड्स करोगे तो रूट से नहीं मिलेगा, आपको कर्ल्स में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे कर्ल्स पे वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे मेरी कर्ल्स की टेक्निक भी चेंज है। जो हमने फर्स्ट स्टाइल में देखा उसमें हमने रेट्रो कर्ल्स किया था, यानी कि स्पायरल कर्ल्स किया था, और यहाँ पे मैंने किया है स्प्रेडेड कर्ल्स, थिन स्प्रेडेड कर्ल्स। मैंने 2 टाइप्स आपको मॉर्निंग में दिखाए थे कि एक तो था हमारा स्प्रेडेड कर्ल्स, एक था हमारा स्पायरल कर्ल्स। ये हमने किया है स्प्रेडेड कर्ल्स, बट थिन स्प्रेडेड कर्ल्स किया है। थिन स्प्रेडेड के आगे थिन वर्ड्स को सेट किया है क्योंकि हमने यहाँ पे सेक्शन टोटली थिन लेके कर्ल्स किया है ना। और थिन सेक्शन लेके जब आप कर्ल्स करते हैं ना तो आपके फ्लफीनेस ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा कर्ल्स है और ज्यादा कर्ल्स दिखते हैं, इन द सेंस कि आपका ऑल ओवर लुक जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी आपके पास थीन हेयर है, पतले हेयर है और आपको ज्यादा वॉल्यूम दिखाना है तो आपको थीन स्प्रेडेड कर्ल्स करने हैं, ओके। कैसे करना है हम यहाँ पे देखते हैं, सेक्शनिंग कैसे लेनी है। सो फर्स्ट मैंने इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए है ऑल ओवर हेयर को, एंड डिवाइड करने के बाद मैंने लेफ्ट साइड से भी इस तरह से एक सेक्शन लिया है। मीडियम ग्रोथ में आपको सेक्शन डिवाइड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन मैं ये आगे वाला जो सेक्शन है, फ्रंट वाला सेक्शन, उसको क्लिप करके यहाँ पे सेट कर दूंगी। अदर साइड से भी सेम सेक्शन ले रहे हैं। चलिए, इस तरह से आपको सेक्शन लेना है। सेक्शन का ग्रोथ ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं, है ना। तो सेक्शन की ये वाली ब्रॉडनेस भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हाफ इंच ही होना चाहिए। इतना बड़ा आप सेक्शन लोगे फिर कर्ल्स करोगे तो अच्छे से नहीं होगा। आपको सेक्शन थोड़ा मीडियम ही लेना है। मीडियम लेने के बाद आपको सेक्शन में 1 बाय 1 सेक्शन डिवाइड करने हैं, से थीन सेक्शन। और थीन सेक्शन डिवाइड करने के बाद चलिए इस तरह से यहाँ पे मैं 50% प्रेशर के साथ स्प्रे एप्लीकेशन करूँगी क्योंकि मुझे ये सेक्शन को शार्प करना है ना। 50% प्रेशर आपको देना है, आपका सेक्शन इतना नीट होना चाहिए। पहली वाली हेयर स्टाइल में मैंने 30% प्रेशर दिया था और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 50% प्रेशर। अगर आप स्प्रे मुझे यहाँ पे वेट लुक चाहिए, थोड़ा वेट इफेक्ट चाहिए, इसलिए मैं स्प्रे एप्लीकेशन थोड़ी हैवी करूँगी। अगर आपको स्प्रे एप्लीकेशन वेट कर्ल्स करना है और स्प्रे से नहीं करना है तो वेट जेल भी अवेलेबल होता है, वेट जेल मार्केट में मिलता है, वेट जेल से भी आप कर सकते हैं। जो रेगुलर जेल रहता है वो जेल से भी आप कर सकते हैं, बट उससे एप्लीकेशन आपकी सही से नहीं होगी, जेल से आप करेंगे तो ठीक है। इसलिए मैं प्रिफर करती हूँ हर टाइप के अंदर स्प्रे से करना, क्योंकि कर्ल्स में ना एक वो इक्वल, जब हम एप्लीकेशन करेंगे ना तो अच्छे से सब हेयर में, ईच एंड एवरी सिंगल हेयर पे अच्छे से एप्लीकेशन होगी, इसीलिए मैं प्रिफर करती हूँ हार्ड स्प्रे। आपको अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ वर्क करना है तो आप कर सकते हैं। ये वेट लुक तो वेट लुक के लिए आप जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, शाइन स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रिफर करती हूँ हार्ड स्प्रे से कर्ल्स करना, है ना। अगर आप लोग वेट जेल के साथ वर्क करना चाहते हैं तो वेट जेल मार्केट में बहुत अलग अलग ब्रांड में अवेलेबल है, और वेट जेल को आपको अप्लाई करना होता है इस तरह से, आपको एक सिंगल सेक्शन लेके हाथ में थोड़ा लगा के इस तरह से इमल्सिफाई करना रहता है। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा जाता है, सो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ शाइन और हार्ड स्प्रे से ही हर टाइप की इफेक्ट को क्रिएट करती हूँ। वेट लुक मतलब गीली इफेक्ट, जो हम हेयर वॉश करने के बाद हमारे हेयर जो रहते हैं ना वो बीच कर्ल्स जिसको हम बोलते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे सेक्शन को प्रॉपर सेट कर दिया है स्प्रे के बाद। यहाँ पे मैं 22 mm का टोंग मशीन यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहे 19 करना है तो 19 कर सकते हैं। 19 और 22 में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, सो आप 19 के साथ भी जा सकते हैं। मैं इस तरह से सेक्शन को स्प्रेडेड डायरेक्शन में सेट करती जाऊँगी, और आउटसाइड मेरी डायरेक्शन है, मेरा मशीन ऊपर है और सेक्शन नीचे है। जब मैंने फर्स्ट स्टाइल किया था तो उसमें मेरा मशीन नीचे था और सेक्शन ऊपर था, है ना। आपको प्रॉपर हीट देना है, यहाँ पे हम हीट देंगे 40 सेकेंड, क्योंकि ऑलरेडी हेल्दियर है और हमें थोड़ा टाइट लुक भी चाहिए, है ना। यहाँ पे मैंने कर्ल्स को क्लिप भी नहीं किया, ऐसे आप देख सकते हैं इतना टाइट कर्ल्स यहाँ पे हो रहा है। सो इस तरह से आपको टाइट लुक देना है, और ये आपका टाइट लुक तब आएगा जब आप अच्छे से स्प्रे एप्लीकेशन करोगे। सो अगेन इसको भी स्लांट डायरेक्शन में रख के कर्ल्स करेंगे, और ये लुक ना आप आगे से पिन अप करके बैक साइड ओपन हेयर भी रख सकते हैं। जैसे मैं पोनीटेल क्रिएट करने वाली हूँ, अगर आपको पोनी नहीं करनी है और ये कर्ल्स को आपको पूरा ओपन रखना है, फ्रंट में कुछ ब्रेड ब्रेड बना के आपको देना है तो भी आप रख सकते हैं। टोटली आपके ऊपर है ये। क्रिम्पिंग भी किया है और ब्लूड्राई भी किया है, दोनों किया है, सिर्फ और सिर्फ लाइट किया है। सी आपको दिखेगा नहीं मैंने क्रिम्प किया है, वैसा टोटली लाइट क्रिम्प किया है। ये बीच कर्ल्स ही हम क्रिएट कर रहे हैं। ये सेम क्रिम्पर हुआ है, मेरे पास एक ही है तो वही करूँगी ना। ये थिन सेक्शन लेना है आपको, टोटली पतले पतले सेक्शन के साथ वर्क करना है, इसीलिए तो मैंने बोला कि थिन स्प्रेडेड कर्ल्स है ये। नहीं, जैसे हम स्प्रे करते हैं वैसे ही वो रहता है जेल। थिन कर्ल्स आप करोगे ना तो इससे आपको वॉल्यूम मिलेगा, थिन कर्ल्स से ज्यादा वॉल्यूम मिलता है, इसलिए हम थिन कर्ल्स अभी कर रहे हैं। चार्ज गाइस आपके ऊपर होता है, आप कैसी हेयर स्टाइल बनाते हैं उसके ऊपर चार्ज होता है। आप मैं जितना चार्ज लेती हूँ उतना आप भी लेने जाओगे तो आपको नहीं देंगे ना। सो वैसा होता है कि आपका काम अपडेट करो आप, फिर आपको चार्ज तो ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। देन दूसरी चीज़ गाइस, जो मैंने रेट्रो हेयर स्टाइल क्रिएट किया था उसमें मैंने डायरेक्शन एक ही रखा था, एक ही डायरेक्शन के साथ मैंने ऑल ओवर कर्ल्स कंप्लीट किए थे। जैसे कि मैं सेकंड लुक क्रिएट कर रही हूँ ना, ये वाला पोनीटेल, तो सेकंड लुक में मैंने कर्ल्स अनइवन किए हैं। मेरा सेक्शन जो हॉरिजॉन्टल है उसमें से मेरा एक कर्ल्स होगा इनसाइड और एक होगा आउटसाइड। इस तरह से मेरी दो डायरेक्शन में कर्ल्स जा रहा है, एक इन और एक आउट, अगेन एक इन और एक आउट, इस तरह से कर्ल्स किया है। इसके बाद आप देखो कि मेरा जो बड़ा सेक्शन है और जिसमें मैंने ब्रॉड सेक्शन लेके वर्क किया है ना, उसको मैं इस तरह से डिवाइड करूँगी, थिन कर्ल्स है ना, सिंगल स्ट्रैंड में आपको इसको डिवाइड करना है ताकि ज़्यादा कर्ल्स दिखे। यहाँ पे कर्ल्स को मैं डिवाइड कर रही हूँ और डिवाइड करने के बाद आपको हार्ड स्प्रे अगेन करना है और कर्ल्स को आपको नीट करना है। कर्ल्स की आप ये टेक्निक देख लीजिए, इस तरह से आपके कर्ल्स शार्प होने चाहिए है ना। जो भी थिन सेक्शन है उसको आपको डिवाइड करना है इस तरह से और कर्ल्स की डायरेक्शन में वापस उसको सेट करना है। सेट करने के बाद हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन करनी है और कर्ल्स को इस तरह से फिंगर से नीट कर देना है। आपका वर्क कैसा है मैं किस तरह से आपको बताऊँ कि आप क्या चार्ज कर सकते हैं। आप चार्ज पे फोकस ना करके आप पहले अपने काम को अपडेट कर दोगे ना, आपका काम इतना बना दोगे ना, चार्ज आपको जो आप मांगोगे ना वो चार्ज आपको मिलेगा। कोई भी चीज़ का कोई फिक्स चार्ज नहीं रहता है कि आप ये हेयर स्टाइल का ये करो, ये हेयर स्टाइल का ये करो। आपका एरिया क्या है, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना बेस्ट बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज को सेट कर सकते हैं। और सिंपल सी चीज़ है, हम जो भी करते हैं ना उसी हिसाब का हमें चार्ज मिलता है। हमें कोई ज़्यादा भी नहीं देता है और हमें कोई कम भी नहीं देता है, हमारा जैसा काम होता है वैसा हमें चार्ज मिलता है। सो ऑलवेज अगर आपको चार्ज ज़्यादा लेना है अपने क्लाइंट से तो आप काम को अपडेट कर दीजिए, काम को इम्प्रूव कर दीजिए, काम के लेवल को उस हद तक लेके जाइए कि क्लाइंट आपको सामने से बोले कि मुझे आप ही कर दो, मैं आपको इतना चार्ज करने के लिए रेडी हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिला है ना, इतने थीन कर्ल्स करने हैं आपको। और इसमें ना आपको लुक भी चेंज मिलेगा, टेक्सचर भी मिलेगा और ये सॉफ्ट होगा, टोटली सॉफ्ट लुक देगा आपको ये। अगेन मैं यहाँ से एक नेक्स्ट सेक्शन लेके वर्क करूँगी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने अगेन एक सेक्शन लिया है ना, ज़्यादा थिक भी नहीं है ज़्यादा थिन भी नहीं है, और इस तरह से मैंने हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन किया है। इसके बाद मैं जी कॉम से सेक्शन को ओपन करूँगी एंड मैं पतले पतले सेक्शन के साथ वर्क करूँगी क्योंकि ये हो रहा है थिन स्प्रेडेड कर्ल। डायरेक्शन आप लोग ध्यान से देख लेना, मैंने आउटर साइड का एक थिन सेक्शन लिया है ना। वेट जेल आप निर्वेल का ले सकते हैं, वेट जेल आप लॉरियल में भी अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं, और बाकी भी अदर ब्रांड में अवेलेबल है आप ले सकते हैं। वेट जेल काफ़ी रेगुलर ब्रांड में अवेलेबल है, आप ब्यूटी शॉप पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए सेकंड चीज कि यहाँ पे मैंने जो सेक्शन लिया है, एक मैंने लेफ्ट हैंड में मशीन को पकड़ा है और मैं लेफ्ट डायरेक्शन में कर्ल्स कर रही हूँ। कर्ल्स की मेथड है स्प्रेडेड कर्ल्स। सेक्शन भी मैंने थिन लिया है और मेरी डायरेक्शन है अपवर्ड्स, यानी कि मैंने मशीन को ऊपर रखा है और सेक्शन को मैंने रोटेट किया है, बट डायरेक्शन है मेरी लेफ्ट आउटसाइड से इन साइड जा रहा है, आउट से इन साइड जा रही है डायरेक्शन। ये आप यही तो देखो ना, ये कर्ल्स को मैं आपको दिखाऊंगी कि बाद में क्या होता है। एक मैंने इस साइड किया, दूसरा मैं यहाँ से सेक्शन लूंगी और दूसरे की डायरेक्शन में चेंज कर दूंगी। हैंड मेरा चेंज हो गया, मशीन की डायरेक्शन चेंज हो गई, अब मैं अदर साइड डायरेक्शन में कर्ल्स करूंगी। बाजू का कर्ल्स मेरा होगा, तो एक कर्ल्स आपको लेफ्ट करना है, एक कर्ल्स आपको राइट करना है। यस, वो मैंने आपको बताया कि स्प्रे एप्लीकेशन आपको 30% 50% उस हिसाब से करनी है। अगर आप 100% के प्रेशर के साथ करोगे तो वही होगा और वही मिलेगा आपको रिजल्ट। जैसे मैंने मॉर्निंग में आपको पेपर पे डेमो करके दिखाया, तो आपको वही सेक्शन जो ले रहे हो ना, वहाँ पे आपको प्रेशर को कंट्रोल करके काम करना है। और आप एक बार प्रेशर के काम करके देखो, प्रेशर से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपको। दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगेन मैं ये सेक्शन पे कर्ल्स करूँगी। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सॉफ्ट लुक क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये कर्ल्स हो जाने के बाद आपको सिंगल स्ट्रैंड में इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद एक एक कर्ल्स को आपको हार्ड स्प्रे की हेल्प से क्लीन करना है, ठीक है, शार्प करना है ताकि फिनिशिंग मिले। क्योंकि हमें पोनी बनानी है, नीवन करना है, इसलिए। जैसा लुक हो उस हिसाब डायरेक्शन फॉलो करना रहता है। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करना नहीं बिलीव करती हूँ। मैं जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह से यूज किया जाए उस चीज पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैं 2 ही स्प्रे रखती हूँ और 2 स्प्रे के अंदर ही मैं सारी क्रिएटिविटी करती हूँ। आपने मेरी क्रिएटिविटी देखी ना, सिर्फ 2 प्रोडक्ट से होती है। और मैं उस चीज़ पे भी बिलीव नहीं करती हूँ कि मेरा स्टूडेंट भी ज़्यादा खर्चे करे और ज़्यादा प्रोडक्ट ले, फिर यूज़ करना ना आए उसको। अंदर प्रोसेस चलती है। तो सिल्की और हेल्दी एयर हो गए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ड्राई और थीन एयर हो गए, उसमें जल्दी हो जाएगा। कल है ना, इसको सेट करने में जस्ट 5 to 7 मिनट्स जाएगा। कर्ल्स करने में टाइम लगा है, बट इसको सेट करने में बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर इसको हम सेट कर देंगे। चलिए अगेन यहाँ पे हम सेम बैक साइड ही करते जाएंगे। ऑलमोस्ट वन साइड का कंप्लीट वाला है। गाइज आपको फ्रंट एओटियोर सेक्शन पे जब कर्ल्स करो ना तो रूट से ही कर्ल्स करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे रूट से वॉल्यूम चाहिए, है ना। सो इस तरह से आपका कर्ल्स, एवरी कर्ल्स रूट से होना चाहिए। नीचे के हेयर पे अगर आप रूट से नहीं करोगे तो चलेगा, बट ऊपर के हेयर पे तो आपको रूट से ही करना। चलिए सो फाइनली यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। दो ही सेक्शन है जिसमें हम कर्ल्स कर रहे हैं अभी। चले फ्रंट का जो एक लेयर बचा है वो लेयर में कर्ल्स कर रहे हैं। चले ऑल कंप्लीट है, सिर्फ फ्रंट का एक लेयर बचा है। एक लेयर पे हम कर्ल्स कर रहे हैं। ये बॉक्स है ना, मिडल से डिवाइड ना हो जाए इसलिए। कर्ल्स में आप सोसाइटी वर्क कर रहे हैं तो आपके पास एक तो 16 होना चाहिए, 22 होना चाहिए और 28 होना चाहिए। यस, दो ही डायरेक्शन तो होता है। अब देखो यहाँ पे ना फोरहेड थोड़ा ब्रॉड है, अगर मैं इसको अपर की डायरेक्शन में करूँगी तो फोरहेड थोड़ा और दिखेगा बड़ा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फोरहेड को हाइड और कंटोर करने के लिए सेक्शन की डायरेक्शन इन करूँगी। वो आप वीडियो सेव है ना गाइज, वीडियो वापस से आप देख लेना। मीतू जी वीडियो सेव है ऑलरेडी, तो आप वीडियो में देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ हम रिपीट करने जाएंगे तो टाइम नहीं रहेगा ना हमारे पास। चले सो यहाँ पे हमारे कर्ल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा सॉफ्ट एंड मैसी लुक यहाँ पे है। अब जस्ट इसको हम शाइन स्प्रे करके सेट करेंगे, और सेट किस तरह से करना है देख लेते हैं। पहले तो आपको ऊपर के हेयर में शाइन स्प्रे अप्लाई करना है, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शाइन स्प्रे, ताकि मेरे कर्ल्स जो है वो स्मूथ हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा हैवी करना है बिकॉज हमने यहाँ पे वेट लुक डिज़ाइन किया है, ठीक है। चले अब क्या करते जाएंगे, हम सेंटर हेयर लेंगे। पहले तो हम सिर्फ सेंटर के हेयर पे वर्क करेंगे, जो ये है हमारे सेंटर के हेयर। ओके, सेंटर से रैंडम सेक्शन आपको इस तरह से लेते जाना है और फिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे हम फिक्स करते जाएंगे, और फिक्स करना है आपको नीचे, क्योंकि हमें लो पोनी बनानी है। ओके यस, ये पोनी है। सेंटर पार्ट यहाँ पे हमने डन किया है। क्रिम्पिंग मशीन में नंबर नहीं आते हैं, क्रिम्पिंग मशीन में साइज रहती है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। जो मैंने आपको दिखाया वो स्मॉल साइज है, यानी कि माइक्रो साइज बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपको रैंडम कर्ल्स को लेना है और इस तरह से आपको ट्विस्ट करनी है कर्ल्स की, और कर्ल्स की ट्विस्ट करके आप यहाँ पे इस तरह से सेट करते जाओगे, और पिन लगाना है आपको सेट करने के वक्त, ठीक है। फ्रंट में से हमने बॉक्स एरिया जो था वो उठा के यहाँ पे फिक्स कर दिया। जो हेयर आपके यहाँ पे है, जो कर्ल्स है, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से रैंडम लेके ट्विस्ट करते जाना है, और यहाँ पे आपको पिन से लॉक कर देना है। सी बहुत ही इजी है, जस्ट आपको बैक साइड पिन करनी है। सी यहाँ पे जो कर्ल्स है उसको मैं यहाँ पे लूँगी, 3-4 कर्ल्स एक साथ, एंड देन इस तरह से रैंडम ट्विस्ट करके सेट कर देंगे। तो आपके ऊपर है, आप नहीं करोगे तो एक भी नहीं होगी, आप करोगे तो एक होगी, आप थोड़ा करोगे तो हाफ होगी। टोटली डिपेंड्स आपके ऊपर है। क्रिम्पर मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया, HNK का, स्टाइलेक्स का, जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके बाद आइकोनिक का आप कर्ल्स मशीन ले सकते हैं। पर अभी आप ये देख लीजिए कि कर्ल्स कैसे फिक्स करना है। ओके, इस तरह से ट्विस्ट करते जाएंगे एंड देन पिन से लॉक करेंगे। ये एक कर्ल्स हमने जो किया, इस कर्ल्स से आप ओपन लुक बना सकते हैं, सेमी ओपन लुक बना सकते हैं, पोनी टेल भी बना सकते हैं। इट्स टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना और कैसे बनाना चाहते हैं। सी बोपिन यूज कर रही हूँ मैं गाइस, ये वाली मीडियम साइज की बोपिन यूज कर रही हूँ, है ना। सी आपने देखा, सेम मैं अदर साइड फिक्स करूँगी। सी अदर साइड ओपन हेयर है, फ्रेम चेंज कर हम थोड़ी। चलिए यहाँ पे सेम मैं वैसे ही करूँगी कंटिन्यू। अगेन बॉब पिन से मैं जहाँ पे मैंने सारे सेक्शन को फिक्स किया है वहाँ पे फिक्स करूँगी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, वैसे आपको नहीं समझ में आया है तो जो फर्स्ट सेशन का हमारा वीडियो था उसमें मैंने मशीन भी आपको दिखाया है एंड वो भी बताया है कि कौन सी ब्रांड आप ले सकते हैं। शायद आप मॉर्निंग में नहीं होंगे इसीलिए आपको नहीं पता है। सेंटर में, हाँ सिर्फ सेंटर में बॉक्स लिया है, बाकी तो मैं फोककोम यूज कर रही हूँ। फोककोम है ना, फोक जैसा, फोक स्पून रहती है ना वैसे। चलिए फाइनली यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है हेयर को फिक्स करके। सो लास्ट सेक्शन है, इसको आपको इस तरह से ही फिक्स करना है। अनइवन ट्विस्ट करते जाएंगे और कर्ल्स है, कर्ल्स की डायरेक्शन को ही आपको फॉलो करना है। कर्ल्स को रैंडमली आपको सेट करना है। अगर आप चाहे कि आपको इसको अब कुछ नहीं करना है, ऐसा करके आपको छोड़ देना है तो भी आप ये कर सकते हैं। यस फाइनली मैंने फ्रंट जो है कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं। एंड और थोड़ा मैं फ्रंट में सेट कर देती हूँ ताकि थोड़ा प्लफी लुक मिले। और फ्रंट को सेट करने के लिए आपको थोड़ा हार्ड स्प्रे करना होगा क्योंकि कर्ल्स तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर दिए हैं। ओके गाइस, सो फाइनली अभी मैं यहाँ पे पॉनीटेल क्रिएट कर रही हूँ फोककोम। यस, नहीं अभी तो मैं यहाँ पे पोनी बनाऊंगी, नहीं दिखती है, आप देखिए। ओके, अगर आप चाहे कि आपको पोनी नहीं बनाना है, ओपन लुक रखना है तो इस तरह से आप सेमी ओपन लुक भी दे सकते हैं। टोंग नंबर जो आपने यूज़ किया, मैंने यूज़ किया है इस हेयर स्टाइल के लिए 22 आइकोनिक का। ओके, ब्रांड है आइकोनिक, ले तो क्लब। चले, अगर आपको सेमी ओपन लुक रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हैं और यहाँ पे डेकोरेशन कर सकते हैं फ्लावर से। डन, ये एक लुक आपका हो जाएगा। सी, ये मैं आपको यूटिलाइज करने की टेक्निक दिखा रही हूँ कि आपको यूटिलाइज करके क्या क्या कर सकते हो एक कर्ल्स से। जो मैंने यहाँ पे कर्ल्स कर लिया, सपोज समझो आपके शॉर्ट हेयर है, यहाँ तक ही लेंथ है, आपको ये लॉन्ग लेंथ नहीं है और ओपन लुक नहीं हो रहा है, सेमी ओपन लुक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? तो उस टाइम पे आपको सिर्फ फ्रंट के ईयर टू ईयर के कर्ल्स करने हैं। इस तरह से आपको मैसी सेट कर देना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है। सेट करने के जितने भी शॉर्ट लेंथ है आपकी, सपोज शोल्डर लेंथ होगी तो इतने इतने ही हेयर बचेंगे आपके, है ना। तो ये हेयर में कर्ल्स तो है, इसको आपको ऐसे करके मैसी बन बना देना है, सिंपल। जो अभी हम देखने वाले हैं मैसी बन, यहाँ ने किया है ओपन लुक। पिन हमने ये वाले यूज किए, बॉब पिन। चले इसको मैं ना जस्ट आपको दिखा दूँ कि आपको अगर इसको रखना है तो कैसे रख सकते हैं डेकोरेट करके। मैं जस्ट डेकोरेट करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, अगर आपको पूरा इसको नहीं बना पोनी नहीं करनी है तो। मैं जस्ट आपको ये एक दिखा रही हूँ कि यूटिलाइज करके आप क्या बना सकते हैं। पोनी ही दिखा रही हूँ मैं अभी, जस्ट आपको ये डेकोरेट करके दिखा रही हूँ, पोनी में बना रही हूँ, डोंट वरी। आर्टिफिशियल या रियल एक्सटेंशन मैंने आपको बताया कि आपको नीचे से हॉरिजॉन्टल लेयर लेके फिक्स करना है। इस तरह से हम टाई करेंगे। ओके, जब एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए इसके बाद आप सेकंड सेक्शन यहाँ से लो और सेकंड सेक्शन भी आपको आउटर साइड से लेना है। जब आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाए उससे एग्जिट नीचे से आपको सेकंड सेक्शन लेना है। ये मेरा फर्स्ट वाला है, इसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड वाला सेक्शन ले रही हूँ और सेकंड सेक्शन को इनके साथ में ट्विस्ट करके अगेन रोटेट करके मैं टाई करूंगी। ओके, एंड यूपिन से फिक्स करते जाना है आपको साथ साथ। यहाँ पे मैंने दो सेक्शन लेके पोनी को टाई कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये एक क्लासिक लुक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इस तरह से। अगर आपको सेमी ओपन नहीं देना है तो आपको जो भी काम करो ना, आपको आपकी 100% एनर्जी डाल के आप कोई भी काम करते हैं ना तो डेफिनेटली कुछ कर पाते हैं। दूसरा आपका आपको फोकस रहना होता है, आज मैं ये कर लेती हूँ कल मैं दूसरा कुछ काम कर लूँ, वैसा अगर सोच के काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एक ही चीज़ पे फोकस रहना होगा हमेशा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हो, कभी कभी ऐसा दिन भी होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने गोल से, तो वापस से आपको वहाँ पे आ जाना है। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद आपको वहीं से रास्ता चेंज नहीं कर लेना है। अगेन ट्राई करो कि आप वहीं पे आ जाओ जहाँ पे अटके थे वहाँ पे। चलिए फाइनली हमारी पोनी भी यहाँ पे कंप्लीट है। आप देख सकते हैं कि हमने दो लेयर से इसको टाई कर दिया है। ठीक है, इसको और थोड़ा आपको प्लफी दिखाना है तो आप इस तरह से कर्ल को पुल कीजिए। पुल करने के बाद आपको स्प्रे करना है। प्लफी दिखाना है तो अगर आपको इतना वॉल्यूम नहीं देना है, प्लफी नहीं दिखाना है तो आपकी जो थी आप इस तरह से खींच के इसको फ्लैट कर सकते हैं। स्प्रे आप कोई भी ब्यूटी शॉप, आप कहाँ से हो आई डोंट नो, बट आपके नज़दीक के जो भी ब्यूटी शॉप होगी, जो वेंडर होगा आपके सिटी के, उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्प्रे तो हर जगह से आपको मिल जाएगा। चलिए फाइनली हम डेकोरेट करते हैं। इस डमी को वॉश करना रहता है। आप रियल हेयर की डमी यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूज़ करने के बाद वॉश करनी होगी। अगर आप सिंथेटिक भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको वॉश करना होगा। ओके, फ्रंट के जो हेयर है कर्ल्स है उसको हम थोड़ा शार्प करेंगे। ओके, अब डेकोरेशन करते हैं। हमारा लुक फाइनली डन है। कोई भी कर सकते हैं। अगर आप सेम चीज़ अगर करना चाहे, आपके पास 10 mm है तो आप 10 mm से भी ये चीज़ बना सकते हैं। अगर आपके पास 28 mm है तो आप 28 mm से भी आप ये बना सकते हैं। साइज़ तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से साइज़ देनी है। अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट देना है तो आप 28 यूज़ कीजिए। यही लुक आपको सेम बनाना है बट साइज़ आपको ये वाली नहीं चाहिए तो आप 28 mm से भी कर सकते हैं। 28 से आपको टोटली सॉफ्ट लुक मिलेगा। जो सेलिब्रिटी की हेयर स्टाइल होती है लाइक सॉफ्ट एकदम बड़े बड़े टोंग दिखते हैं, वैसा आपको लुक मिलेगा। चलिए फाइनली हमारी पोनीटेल का डेकोरेशन भी हो चुका है। इसका भी हम फ़ोटो ले लेते हैं और आप लोगों को ये सारे फ़ोटोज़ लेके मुझे इंस्टा पे मेंशन करने हैं। आपको ये सारे लुक कैसे लगे मुझे इंस्टा पे आपकी फीलिंग को जाहिर करके स्टोरी में बताना है। ओके, सो फाइनली हम यहाँ पे शाइन्स पर अप्लाई करते हैं। नहीं, डमी को स्पा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अच्छे से माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए और कंडीशनर कर दीजिए, दैट्स इट। 25 से कर सकते हैं, 28 से कर सकते हैं, 30 से कर सकते हैं, 32 से कर सकते हैं, आपके ऊपर है।